तो आई होप ग्राफ वाला पार्ट क्लियर है. इवन दो द आंसर्स आर नॉट मैचिंग, कंपेयर द आंसर्स, सी बहुत डिफरेंस है. दिस इज 27, मतलब इन 2000 कर दो आप बेसिकली, सो इट्स लाइक मोर, इट्स 27 मिलियन एंड दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है, सो वेरी डिफरेंट बट स्टिल आई गॉट फुल मार्क्स इन चार्ट, 3 out of 3. आई हैव रिटन प्रॉपरली द कॉलम, द टाइटल, द एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, एवरीथिंग इज प्रॉपरली लेबल्ड. ठीक है, एंड द चार्ट इज ऑल्सो करेक्ट, कॉलम चार्ट. तो दिस इज समथिंग विच यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपका, तो ये पूरे स्प्रेडशीट से क्या क्या की टेक अवेज है. फर्स्ट, इवन दो यू आर नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन, डू वॉट एवर यू फील इज करेक्ट एंड मूव अहेड. इफ योर फर्स्ट पार्ट इज रॉन्ग, दे विल कंसिडर दैट आंसर रॉन्ग, सॉरी दैट आंसर करेक्ट, टू चेक योर फर्दर पार्ट. दे वॉन्ट टू सी द मेथड, वेदर योर मेथड इज सिमिलर, करेक्ट और नॉट. दे डोंट फोकस अलॉट ऑन द इफ द आंसर इज रॉन्ग और राइट. दे वॉन्ट टू सी द प्रोसेस, द मेथड, अप्रोच, एवरीथिंग शुड बी सिमिलर. द असम्पशंस दैट यू आर मेकिंग इज सिमिलर. तो ये सारे बेसिक चीज है. एंड फॉर चार्ट्स ऑल्सो वी सॉ कि इवन दो आंसर्स आर नॉट मैचिंग बट एटलीस्ट कुछ पार्ट थोड़ा सिमिलर है, तो चार्ट के लिए भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू यू नो कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, विच इज द ऑडिट ट्रेल. So I'll quickly go through my audit trail and quickly show you all the marking distributions. Then I will skim through your audit trails and कैसे आप लोगों ने लिखा है. So अच्छा, self checks and all का अगर हम लोग बात करें, which is 2.1 का 2 marks है. So 2 marks है, approximately they expect you to make 3 to 4 self checks. मैंने कितने self checks करे, तो यहाँ पे I did a check whether this should be greater than, this can be considered both a reasonableness check and a self check. तो आप सेल्फ चेक में भी इसे लिख सकते हो, रीजनेबलनेस चेक में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो दैट यस इट्स रीजनेबल, दैट दिस शुड बी ग्रेटर देन द ओवरऑल कॉस्ट बिकॉज यू आर गिविंग द अपलिफ्ट टू ऑल द पॉलिसीज, इवन दो द फंड वैल्यू ऑफ द सेम वॉज हायर देन द गारंटी कॉस्ट. तो ये एक तीनों में मैंने जो कॉन्स्टेंट करा है, दिस इज ऑल्सो अ सेल्फ चेक, दिस इज अ चेक, दिस इज अ वेरी स्टूपिड चेक आई विल से, कि वेदर दिस इज, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस. ऑब्वियसली अगर आप इन टू 80 करोगे तो वो ज्यादा आएगा. सो दिस वॉज अ सेल्फ चेक जहां पे मैंने देखा कि एक्सेस कॉस्ट शुड बी ग्रेटर दैन, शुड शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ गारंटी. देन आई थिंक और क्या मैंने चेक्स दिए यहाँ, आई डोंट थिंक मैंने कोई चेक दिया, आई शुड हैव गिवन सम चेक, बट बाकी तो आपका ये चेक्स है. सो इफ यू जस्ट सी द एग्जामिनर्स रिपोर्ट वॉट चेक्स दे एक्सपेक्ट, सो दे एक्सपेक्ट, दे हैव नॉट रिटन एनी काइंड ऑफ चेक्स एंड मुझे कितना मिला है, सो आई हैव गॉट 0.5 एंड 2, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट बिकॉज मैंने चेक्स दिए ही नहीं है ज्यादा. दो अगर हम बोले कंस्ट्रक्ट थोड़ा यू नो लॉजिकल, दो टेस्ट ही दिए ओवरऑल, तो दे हैव गिवन 0.5 एंड 1, राइट. सो मेक श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली द पेपर वॉज डिफिकल्ट, आई वॉज नॉट सो मच फोकस ऑन द चेक्स, बट दिस इज समथिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको चेक्स बहुत अच्छे से एटलीस्ट 3-4 चेक्स देना है इफ इट्स ऑफ 2 marks. देन गुड स्प्रेडशीट प्रैक्टिस का आपको हाँ टेलिंग. हम पूरी स्प्रेडशीट में 2-4 ये देने हैं ना, सेल्फ चेक या ईच पेज ईच? नहीं नहीं, पूरे पूरे दो नहीं, एटलीस्ट 4, क्योंकि 2 mark का है ना, तो एटलीस्ट 4. एंड ऑल्सो दिस एक्सक्लूड्स द डेटा चेक्स, जो आपने डेटा चेक्स करे वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है, एंड वैसे ही रीजनेबलनेस चेक्स भी हमें 4-5 तो देने हैं पूरे वर्कबुक में. ठीक, करेक्ट, हाँ करेक्ट, हाँ. सो नाउ गुड मॉडलिंग प्रैक्टिस में क्या क्या चीज है दैट दे कंसिडर. वन इज नो हार्ड कोडिंग, फ्लैगिंग ऑफ रोज दैट आर नॉट सेम, फॉर दैट
don't स्क्रोल डाउन. इजी टू फॉलो, राइट लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, लॉजिकल ऑर्डर है, क्लियर एक्यूरेट लेबलिंग है ऑफ रोज कॉलम्स एंड सिंपल टेक्निक्स है. बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला आपने नहीं यूज किया. इसका 2 मार्क्स है ना. हाउ विल यू अंडरस्टैंड दिस? कि आपने कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं लिख दिया. आप जहां चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते थे वहां आपने उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया. सो ऑल दीज थिंग्स. सो आई फील दिस इज अ लिटिल सब्जेक्टिव ऑल्सो फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट कि वो कैसे मार्क करता है. बट आई फील गेटिंग मिनिमम मतलब 5 इज नॉट ग्रेट. 7 में अगर 6 आ रहा है देन इट्स हाँ बोल. वो पॉइंट ऑन लाइक द कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला, जैसे मतलब फंड कैलकुलेशन के फॉर्मूला वगैरह तो कॉम्प्लिकेटेड थे. नहीं दैट वॉज नॉट, वो हमें समझने में, I was about to ask the same. हमें समझने में वो कैलकुलेशन वो रहा है. बट अगर आप वो देखो जाके, अगर आप ये फॉर्मूला देखो, ठीक है कहाँ गया, अगर आप ये फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है. जस्ट दे हैव यूज टू, मतलब एक ही इफ के अंदर सब कुछ यूज करा है. सो सी अगेन, कॉम्प्लिकेटेड इन व्हाट एस्पेक्ट? एज इन कोई चीज जो आप सिंपलर वे से कर सकते थे बट यू इंस्टेड चोज टू यूज अ कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच टू दैट. दैट इज व्हाट दे मीन बाय नॉट यूजिंग. दिस इज जो आपका क्वेश्चन है दैट इज ओनली डिफिकल्ट, तो ऑब्वियसली उसका आंसर भी डिफिकल्ट होगा. बट यू कैन नॉट से दैट दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला. देयर इज नो अदर वे ऑफ डूइंग इट. व्हाट आई डिड, दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन डू इट. हाँ नो नो नो, यू कैन लाइक देन इट बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. ये ईयर ऑन ईयर है, आप एक ही साल में अगर करना चाहो तो वो और डिफिकल्ट हो जाएगा. दे हैव स्प्रेड आउट देयर वर्क. इन्होंने क्या लिखा है इधर कि यूज ऑफ सिंपल टेक्निक्स, फॉर्मूला नॉट ओवरली कॉम्प्लेक्स, विच मीन्स दैट द स्टेप्स शुड बी स्प्लिटेड आउट एंड द कैलकुलेशन नीड टू बी बिल्डेड अप. तो ये तो स्प्लिट आउट किया इन्होंने, और कितना स्प्लिट करेंगे? ईयर ऑन ईयर तो दिखाया है, ईयरली अक्यूमुलेशन दिखाया कि भाई 2006 का अक्यूमुलेशन क्या होगा, 2007, एक साथ ही नहीं दिखा दिया, समझ रहे हो? सो क्वेश्चन ही डिफिकल्ट है, तो आंसर तो डिफिकल्ट हो गई. दिस डज नॉट मीन दैट द फंक्शंस आर दे हैव मेड इट कॉम्प्लेक्स. नो, आंसर ही कॉम्प्लेक्स है बट दे हैव स्प्रेड आउट द वर्क, दे हैव स्प्रेड आउट द एंटायर कैलकुलेशन. गेटिंग माई पॉइंट? यस यस मैम. ठीक है. सो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है कि आप अगेन आई फील कि यहाँ मे बी 1 मार्क, आई डोंट नो, मेरे में ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज नहीं यूज है. बट इट्स आई डोंट थिंक एनी वन गेट्स 7 on 7. बट हाँ, 7 में आप यू कैन एक्सपेक्ट 6. इफ यू हैव प्रैक्टिस मोर देन 5 एटलीस्ट यू शुड गेट, यू शुड नॉट गेट लेस देन 5 ओवर हियर एट ऑल. नेक्स्ट रीजनेबलनेस चेक में मुझे कम ही मिला होगा बिकॉज ज्यादा दिए नहीं थे मैंने. तो 4 में देखो, 1 में 0 दिया. द रीजन बींग आई टेल यू, क्योंकि मैंने रीजनेबलनेस चेक में खाली ऑडिट ट्रेल में लिखा है, तो ये मेरे से स्किप हो गया था दैट द रीजनेबलनेस चेक इज इंक्लूडेड इन द स्प्रेडशीट पोर्शन, नॉट इन द ऑडिट ट्रेल. सो यू नीड वट एवर रीजनेबलनेस चेक यू गिव इन द ऑडिट ट्रेल, यू ऑल्सो हैव टू गिव इट इन योर स्प्रेडशीट, बिकॉज स्प्रेडशीट में 4 मार्क्स है. ठीक है. सो दिस इज माई ऑर्डर ट्रेल. देखो रीजनेबलनेस चेक मैंने यहाँ पे भी बहुत ही कम दिया होगा. Because as I mentioned, I had very little time. नहीं है, in fact है ही नहीं. ये खाली दिया है, चार्ट के लिए दिया है. So this should have been copy pasted in your Excel. मतलब अगर आप इसको अपने चार्ट में copy paste कर देते ना यहाँ पे reasonableness check, तो आपको मिल जाता marks. Because spreadsheet में they have given that 4 marks. दे एक्सपेक्ट आप वहां पे लिखो. इनके सोल्यूशन में भी नहीं लिखा हुआ है बट दैट इज वॉट यू हैव टू डू. सोल्यूशन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, तो यहाँ पे भी आपको लिखना है
this is reasonable because the overall uplift should be greater than the total excess, because we are giving uplift to all the policies, even which are having the current value less than the cost of more than the cost of guarantee. तो ये आपको सब जगह, एंड इट्स, आप डबल वर्क नहीं कर रहे हो, आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो. जो चीज आप यहाँ लिख रहे हो आप उसको कॉपी पेस्ट सीधा कर दोगे वर्ड में, तो एनीवेज आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट होगा उधर. ठीक है, यस देन मैम, ओनली रीजनेबल चेक्स को एक्सप्लेन करना है ना शीट में भी. चेक्स को तो हाँ, चेक्स को नहीं, 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 नहीं. चेक्स को नहीं करते, चेक्स को नहीं करते. तो देखो इन्होंने क्या क्या लिखा है, स्मॉल डिफरेंस इन फंड वैल्यू बिकॉज हम लोग ने अज्यूम करा है दैट द रिटर्न्स आर इवनली स्प्रेड अक्रॉस द ईयर. फिर इनकरेक्ट फंड वैल्यूज के लिए हमने क्या, इनकरेक्ट फंड वैल्यूज आर फ्रॉम ईयर 1995 एंड अर्लियर. ग्रुपिंग में क्या आपने, तो ये द रीजनेबलनेस चेक्स शुड बी मेंशन्ड एंड देन यू गेट योर मार्क्स. आई गॉट कम्प्लीटली जीरो बिकॉज मैंने किया नहीं, आई डिड नॉट हैव द टाइम. सो दिस इज व्हाई आई से जहां मार्क्स मिल सकते वहां आपको लेना चाहिए. हाँ, टेल मी. आप ऑलरेडी वो कैलकुलेट किए थे ना कि सिनेरियो 1, 2, 3 का इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, तो उस वो चेक के लिए मार्क्स उसको फिर एक्सप्लेन करने से ही वहाँ स्प्रेडशीट में मार्क्स मिले. हाँ, बिकॉज उनको उसको वो रीजनेबल है चेक में भी नहीं कंसिडर कर रहे ना, इसीलिए. ठीक है, तो ये एक चीज है. बट रीजनेबल यूजुअली हम लोग आउटपुट पे करते हैं ना, तो वो रीजनेबलनेस चेक नहीं हुआ. रीजनेबल है चेक जरूरी नहीं कि हमेशा आउटपुट पे करें. ये वाला तो दिस इज कंसिडर्ड एज सेल्फ चेक ओनली, एंड अनलेस एंड अंटिल यू एक्सप्लेन इट, इट्स नॉट अ रीजनेबल चेक. यू यूज द वर्ड रीजनेबल दैट दिस इज रीजनेबल बिकॉज सो एंड सो. सो बाय रीजनेबल वी मीन कि लॉजिकली वो क्यों सही है ऐसा. करेक्ट, हाँ हाँ हाँ. ओके ओके, ठीक है. सो कैन बी कंसिडर्ड बोथ. This can be considered as a self-check and a reasonableness check both. But you need to be writing and explaining it, no? Then only wo reasonableness check hoga. Okay. Right? Then let's move to the audit trail portion. So here first, I'll show you my audit trail. So as you all can see, audit trail likha objective, and then I wrote the objective, gave an introduction, everything. सब्जेक्ट टू मिनिमम, ये थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है. आई एक्सप्लेन द सिनेरियोस एंड द कैलकुलेशंस दैट आई हैव डन. ठीक है, डेटा सेक्शन आई हैव क्लियरली रिटन, लाइक हाईलाइटेड वेयर, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द डेटा, एंड देन व्हाट ऑल डेटा इज गिवन, एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल्स. द फॉलोइंग डेटा आर करेक्ट, एंड सो आई डिड नॉट टेक द डेटा वैलिडेशन एंड करेक्शन इन द डेटा सेक्शन, आई टुक इट इन द मेथड. But even though if you are taking it here, I feel somehow recently they have written data validation and data correction in the data section itself. So even if you include it over here, it will be better rather than including in the method. Assumptions, dekho assumptions I have written, we'll discuss assumptions later. Method may have first, you know, in italics I have written what we have done in the sheet, and then I have explained it. So here I have used the formulas. Here properly, and baki maine likh diye, all the other data is given in the data section, wo yahan pe included hai. Just that these two are the calculations, so isko maine alag se highlight kiya. Then policy data worksheet, again I have explained how I have validated three checks I gave, and then what all errors I could find yahan pe, and then the corrections, the reason of the correction is also clearly stated. I'll share this file with you all, don't worry. एंड देन फंड वैल्यू वैलिडेशन, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये वाला कैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है इसको मैंने पूरा समझाया है पहले, एंड देन आई हैव गिवन द फॉर्मूला. वैल्यूएशन योर पॉलिसी योर, दिस अज्यूम्स दैट द पॉलिसी द एनुअल प्रीमियम्स वर पेड इन द मिडल ऑफ द ईयर. अगेन दिस इज ऑन एवरेज, दिस इज नॉट एब्सोल्यूटली करेक्ट, बट अगेन आई हैव रिटन दिस अजम्पशन क्लियरली, एंड आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड इन द अजम्पशंस सेक्शन विच वी विल डिस्कस. देन यहाँ पे आई हैव रिटन हाउ आई हैव करेक्टेड एंड एवरीथिंग. कहीं भी रीजनेबलनेस चेक देखो नहीं दे रहे हैं, सो ऑब्वियसली यू विल गेट अ जीरो. देन द टोटल कॉस्ट शीट आई हैव एक्सप्लेन्ड. अगेन आई फील कि ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड है, आई शुड हैव मेड इट इजियर, बट
I-12 and D-12 is something that we have already explained above, so it's fine. And again, auto check is included, but I did not explain the auto check because I did not have the time. But you will have to explain the audit auto check. This is something which is like unleft, undone. So, ये मुझे explain करना चाहिए था. 1 hour में आप कितने ही लिख पाओगे? 6 pages से ज़्यादा मतलब और आप कितना explain कर सकते हो properly, right? So, this is something. तो थोड़े थोड़े mistakes हैं जो मैंने करे. उसके बाद similarly explaining all the sheet, mentioning the auto checks. What I did actually, you know, I copy pasted the entire this thing for summary 3 and just wrote the changes. Because बहुत सारी चीजें same हैं, जैसे यहाँ पे before after same है, uplift same है. ये आपको answer नहीं लिखना था, but I wrote it in the exam. But ये नहीं लिखते अपने audit trail में अपने answers नहीं लिखते. And ये सारे same हैं, so I just copy pasted. अगर आप लोग देख रहे हो, देखो. ये वाला जो लाइन है ना, ये लाइन सब में सेम है. सो आई कॉपी पेस्टेड एंड मेड फ्यू चेंजेस यहाँ पे भी करना था. चार्ट इज डन. व्हाट टाइप ऑफ चार्ट आई यूज दैट आल्सो आई डिड नॉट राइट. अच्छा, आई हैव रिटन कॉलम चार्ट, आई हैव रिटन, बट आई शुड हैव बीन वन लाइन और इधर लिखना चाहिए था मुझे. एंड देन आई गेट द रीजनेबल. अच्छा, द रीजनेबलनेस चेक व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दैट आप लोग इस चार्ट को कैसे देखोगे. जैसे यहाँ पे फंड आपका जो कॉस्ट आ रहा है is lowest in case of year of entry and it is highest in case of term to maturity. So can anyone just quickly tell me why is this difference happening? If you understood by even reading the solution. Anyone? Why your cost? Repeat your question. Why is cost highest in term to maturity rather than year of entry? Is it because year of entry is between for 10 years, I think. No, so 20 years. No? Anyone else? See, hum log kar kya rahe hain? Hum log grouping kar rahe hain, and then for each group, we are calculating the percentage uplift. That is being applied to all the policies, even though the policies did not have that amount. अब होता क्या है समझना, अगर आपके पास एक बैंड में 10 पॉलिसीज है, उसमें से 3 पॉलिसी को अपलिफ्ट मिल रहा है, बट आप दोगे सारे 10 पॉलिसी को, तो ये कंडीशन कंडीशन वन हुआ. कंडीशन टू, 10 पॉलिसीज है, उसमें से ऑल द 7 पॉलिसीज या ऑल द 8 पॉलिसीज को अपलिफ्ट मिलना चाहिए, उसका परसेंटेज निकाल रहे हैं एंड सारे 10 पॉलिसीज को अपलिफ्ट दे रहे हैं. विच कंडीशन इज बेटर, कंडीशन वन और कंडीशन टू? यस, क्विकली, विच कंडीशन इज बेटर? नो, नो वन? आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सॉरी. So I said that when you are grouping, ठीक है, तो एक केस में आप क्या कर रहे हो, आप जो आपका 10 का ग्रुप बना, 10 पॉलिसी का ग्रुप बन गया, ठीक है, उसमें से जो मैंने इतने देर से एक्सप्लेन किया है, एक आपका जो ग्रुप बन गया उसमें से जो 3 पॉलिसीज है उसको अपलिफ्ट मिल रहा है, उसका आप एवरेज निकाल रहे हो एंड वो एवरेज आप सारे 10 पॉलिसीज को दे रहे हो. यहाँ पे 10 पॉलिसीज है जिसमें से 7 पॉलिसी को अपलिफ्ट मिल रहे हैं, उसका आप एवरेज निकाल रहे हो और वो आप सारे 10 पॉलिसीज को दे रहे हो. कौन सा कंडीशन बेटर है, कौन सा ग्रुपिंग बेटर है, ये कि ये 3 में अगर 3 पॉलिसीज का एवरेज सारे 10 को अप्लाई हो रहा है तो उसमें ज्यादा कॉस्ट इंक्रीज होगा बेसिकली. मतलब बेटर इज सेकेंड वाला ना, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, जस्ट टेल मी दिस, बेटर इज सेकेंड वाला. तो सेकेंड वाला बेटर होने का क्या मतलब है, कि सेकेंड वाला का ग्रुपिंग अच्छे से हुआ है, मे बी 10 में से ऑल द 7 आर गेटिंग अपलिफ्ट, सो पूरे 10 को दे देंगे तो उतना इफेक्ट नहीं करेगा हमें, क्योंकि सबको देना ही था ना 7 को, तो 10 को दे दिया. सिमिलरली कुछ ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल 4 का ग्रुप है, उसमें 4 पॉलिसीज है एंड चारों को ही नहीं अपलिफ्ट मिल रहा, तो किसी को अपलिफ्ट नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये ग्रुपिंग बेटर है. सो जितना बेटर ग्रुपिंग होगा
मीन्स दैट आपका कॉस्ट उतना कम होना चाहिए. तो बेस्ट ग्रुपिंग इज ईयर ऑफ एंट्री. नाउ व्हाई? बिकॉज ईयर ऑफ एंट्री का क्या मतलब, अगर किसी पॉलिसी 1990 में इशू हुआ है, नहीं 2010 में इशू है, तो वो पॉलिसी चाहे 15 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, 20 साल का हो, वट एवर इट इज, बट मान लो कि 10 साल का है और एक 20 साल का है. पहला 10 साल के लिए तो रिटर्न्स सेम मिला ना, क्योंकि इशू 2010 में हुआ, 2010, 2011, 2012, सो ऑन अप टिल 2020 तक, तो रिटर्न्स इन दोनों पॉलिसी को सेम मिला. इवन दो वन इज ऑफ 10 इयर्स, वन इज ऑफ 20 इयर्स, इवन दो वन पॉलिसी फिगर इज फॉर 1000 प्रीमियम पर एनम, फंड साइज इज वट एवर, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वट एवर द फंड साइज, वट एवर द टर्म, बट ईयर ऑफ इश्यू अगर 2010 है तो पहला 10 साल 15 साल तो सेम इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा ना. तो अगर सेम इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि फंड वैल्यू भी काफी सिमिलर हो सकता है, या फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि दोनों को सबको सिमिलर अपलिफ्ट मिलेगा, सिमिलर फंड वैल्यू साइज, सिमिलर इंक्रीज होगा. क्यों? क्योंकि रिटर्न सिमिलर है ईयर ऑन ईयर. वही अगर आप टर्म ऑफ मेच्योरिटी ले लो जिसका सबसे हाईएस्ट है, तो एक पॉलिसी जो आपने इशू किया 1995 में, 30 इयर्स का टर्म, ठीक है, एक पॉलिसी आपने इशू किया 2010 में 30 इयर्स, तो आप यहाँ पे टर्म टू मेच्योरिटी इज एक्चुअली द रिमेनिंग टर्म. 2019 पे खड़े, एक पॉलिसी का रिमेनिंग टर्म 10 इयर्स है, तो 10 इयर्स मल्टीपल तरीके से हो सकते हैं. एक लेट अस सपोज 2019 में टर्म टू मेच्योरिटी है 10 इयर्स, ठीक है, दिस इज टर्म टू मेच्योरिटी. अब ये इसके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं कि एक पॉलिसी इश्यू है 2009 में, उसका 20 इयर्स का टर्म है, तो 2019 में टर्म टू मेच्योरिटी विल बी 10 इयर्स. या फिर एक पॉलिसी इश्यू है 1999 में एंड उसका टर्म टू मेच्योरिटी इज 30 इयर्स. एम आई करेक्ट ओवर हियर? इन दोनों का टर्म टू मेच्योरिटी विल बी 10 इयर्स इन 2019, यस और नो? यस मैम. बट ये तो सेम नहीं हुआ ना, एक हुआ 1999 में, उसको अभी तक 20 इयर्स हो चुका है, तो उसका जो अक्यूमुलेशन रहा है एंड 2009 से लेके अभी तक का जो अक्यूमुलेशन है कैन नॉट बी सेम, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 10 इयर्स को ऑलरेडी पॉलिसी बीत चुका है. अब आप उसके ऊपर यू आर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज अपलिफ्ट और हाउ इट विल बी मैचिंग, बोथ आर फॉलिंग इन 10 इयर्स रिमेनिंग ऑन द सेम बैंड, बट ऑब्वियसली वन पॉलिसी इज ऑब्वियसली लाइकली कि अपलिफ्ट होगा और एक में अपलिफ्ट नहीं होगा, वेरी मच पॉसिबल. तो ये वाला चीज भी गलत है ना, मतलब ऑब्वियसली गिव्स यू द हाईएस्ट कॉस्ट. एंड सिमिलरली फंड साइज में हो गया 20,000 का बैंड है, तो 0 से 20,000 के बीच में जितनी भी पॉलिसीज है. नाउ व्हाई अगेन डू यू एक्सपेक्ट दिस टू बी बेटर देन टर्म टू मेच्योरिटी, इज अगर आपने बैंड्स में डिवाइड किया है एंड एक बैंड को आप सिमिलर 0 से 20,000 के जो भी फंड वैल्यूज है तो उनपे आप अगर अपलिफ्ट डालोगे 5% का, तो एक सिमिलर इंक्रीज आप देखोगे. अब एक होता है आपका एक 20,000 का फंड वैल्यू है, एक आपका 60,000 का, दोनों को साथ में आप 5% का अपलिफ्ट दे रहे हो, सो दिस विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट. बट सिमिलर फंड साइज रखोगे एंड उसमें सिमिलर अपलिफ्ट होगे तो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, बट स्टिल दिस इज नॉट बेटर देन दिस सिचुएशन. तो ये बहुत डीपर एक्सप्लेनेशन है, आपको इतना नहीं लिखना, यू जस्ट हैव टू राइट बेसिक. सो इफ यू जस्ट रीड देयर सोल्यूशन, इवन दो आई थिंक आई डिड नॉट राइट इट वेरी मच नाइसली, बट अगर आप इनका भी देखो, इनका सोल्यूशन, एंड इफ यू रीड वट दे हैव रिटर्न वेरी नाइसली, जस्ट रीड दिस. Grouping by year of issue. How is this better? This aligns with the returns. जैसे मैंने बोला कि 2010 में अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो वो सेम रिटर्न फॉलो करेगा ना 2019 तक. अगर पॉलिसीज जो 1990 में इशू हो रहे हैं वो सेम रिटर्न फॉलो करेंगे ना 2019 तक. Year with highest cost are years with the high return followed by negative returns. Years following large negative returns have no cost.
वही चीज इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सिमिलर योर्स ग्रुपिंग बाय फंड वैल्यू अगर हम करें, लार्जेस्ट फंड विल हैव लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन फोर्स जनरली. क्यों ऐसा? क्योंकि अगर कोई फंड वैल्यू अक्यूमुलेट होके बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर है तो वो इसीलिए है बिकॉज उसका जो टर्म जा चुका है दैट इज मे बी वेरी लार्ज, तभी वो इतना ज्यादा अक्यूमुलेट हो गया. अ पॉलिसी विच इज इश्यूड इन 1995 एंड अभी तक अगर वो चल रहा है तो तभी वो अक्यूमुलेट हुआ. सो दिस इज ऑल्सो लेस, मतलब इट्स लाइक सिमिलर टू दिस ईयर ऑफ इशू 2019 में एनी पॉलिसी विथ अ वेरी हाई फिगर फंड वैल्यू फिगर मतलब दिस अ पॉलिसी विथ अ वेरी हाई फंड वैल्यू जैसे सपोज 9 मतलब वो हाई फंड वैल्यू है. सो दीज आर द पॉलिसीज वो बोल रहे हैं जो हो सकता है सिमिलर ईयर्स में आए हो क्योंकि वो इतने साल के लिए अक्यूमुलेट होके इतना बड़ा हो गया है. आई शो यू ऑल, लेट्स टेक 9 ठीक है. तो 9 में देखो सिमिलर ईयर्स आ रहे हैं ईयर्स क्योंकि वो इतने साल पहले इश्यू हुआ तभी तो वो इतना ह्यूज अक्यूमुलेट हो गया. Yes or no? Tell me. So it's similar. Similarly, जितने भी देखो policies 2 में आ रहे कुछ कुछ policy ही later years में but approximately it's same. So that is what they are saying. हम लोग को कम वालों से मतलब ही नहीं है क्योंकि even though 20,000-40,000 के जो policies होंगे वो उसमें आप कितना ही uplift कर दोगे but जो higher size bands है जैसे अगर हम लोग बात करें 8 का तो ये भी देखो सिमिलरली सिमिलर ड्यूरेशन में है इनका ईयर आ रहा है. नॉट वेरी सेम बट सिमिलर. क्यों? क्योंकि तभी तो वो इतना ज्यादा होके अक्यूमुलेट हो गया ना, राइट? सो अगेन दिस इज ऑल्सो बेटर. एंड टर्म टू मेच्योरिटी हैज नो बेयरिंग ऑन द फंड लेवल क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग एज आई शोड यू. 1999 में शो हुआ विथ 30 ईयर्स, 2009 में शो हुआ विथ 20 ईयर्स. इट्स नॉट नो देर इज नो बेयरिंग विद द फंड वैल्यू क्योंकि रिटर्न ही उनको हर साल अलग मिला. सो दिस इज वॉट यू कैन एक्सप्लेन इन द रीजनेबलनेस चेक एंड यू गेट द मार्क्स. हाँ बोलो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकंड लाइन इन ग्रुपिंग बाय ईयर ऑफ इशू? आई डिडंट. ईयर्स विद हाईएस्ट कॉस्ट आर ईयर्स विद द हाई रिटर्न फॉलोड बाय नेगेटिव. जिसमें आपका हाईएस्ट कॉस्ट आ रहा है मतलब आपका एक्सेस कॉस्ट इज हाई, इसका मतलब है दीज आर द ईयर्स जहाँ पे आपने नेगेटिव रिटर्न ज्यादा फेस, मतलब मे बी दीज आर द ईयर्स जहाँ पे हाई रिटर्न साथ में थे एंड नेगेटिव रिटर्न साथ में थे एंड वो नेगेटिव रिटर्न ज्यादा होंगे वैसे. ओके. एंड इफ यू सी द रिटर्न तो देखो ना ये नेगेटिव रिटर्न आप देख लो यहाँ पे काफी नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं यहाँ. That is what they are saying. Okay. Chicken. तो ये एक चीज है which I did not write properly and so I did not get reasonable and check का marks. Ma'am, I have just yes. मेरा ना शायद ग्राफ में दोनों कैलकुलेशन इश्यू हो सकता है बट जैसे इन माय केस द फंड बैंड साइज हैज लोअर कॉस्ट देन कंपेयर टू द ईयर ऑफ इशू. गलत है ना क्योंकि आपने तो सब कुछ ही गलत, आपने 0.5 का assumption ठीक से नहीं दिया तो वो चीज गलत. ग्राफ में भी मार्क्स कटेगा क्या? नहीं, कहाँ कटा. मेरा भी देखो प्रपोजल टू इज योर दिस रिमेनिंग टर्म, मेरा उसका हाईएस्ट आ रहा है. ओके. नहीं कटा ना, नॉट फुल मार्क्स. सो अगेन एज आई सेड दे विल चेक ओवर हियर when they are giving you marks for the chart is are you able to get the data correctly. to be correct data aap nikal pa rahe ho ki nahi. agar aap kuch bhi plot kar loge rank column chart hi plot kiya but kuch bhi plot kar diya waise nahi, aap sahi data pull out kar rahe ho and usko sahi chart mein dal rahe ho. even though answers are wrong but maine data sahi nikala hai, total axis ko hi plot karna tha. theek hai. so this is something. now I'll quickly look at few of yours. श्रीप्रिया, आई हैव सीन योर ऑडिट रील्स पहले. अनवया का एंड कृति का देख लेती हूँ. मैम मेरा ये पेपर का नहीं है लेकिन कोई इशू नहीं है. आई विल जस्ट क्विकली हैव अ यू नो लुक
एंड देन मे बी नेक्स्ट वीक मैं एक बार फिर से देख लूंगी. सो ये मैंने किसका डाउनलोड करा, अनवया. ठीक है. Can I share it by today or tomorrow? मतलब कोई भी अप्रैल 2020 का. हाँ, but I don't get a lot of time in between of the classes. तो मैं फिर next class ही देख पाऊंगी पहले उसी में. Sure ma'am, मैं अपने end से तो भेज दूँगी. हाँ हाँ भेज देना भेज देना. So we have the purpose. ठीक है, ऐसे ही मैं जैसे बोलती हूँ ना scenarios and but just that ये ध्यान रखना कि डोंट. ये कितना टाइम लगा इस पूरे को लिखने में? थोड़ा ज्यादा टाइम लगा. ये नहीं, किसका है ये? कृति का? मेरा, अनवया. अनवया, 8 pages इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑडिट ट्रेल. ओके, आई कैन एक्चुअली कट डाउन. मैंने थोड़ा बहुत ही डेप्थ में लिखा है. हाँ, ऑडिट ट्रेल यहाँ पे एंड ऑफ ऑडिट ट्रेल लिख दिया करो. इट लुक्स नाइस. ठीक है, जैसे मैंने भी लिखा है इधर एंड ऑफ ऑडिटरी. नहीं, आई मीन मोर देन 3000 words इज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे मैंने कितना लिखा है, मैंने लिखा है 2001. ये मैंने कम ही लिखा था एक्चुअली, बट समवेयर अराउंड 2500 words उसी रेंज में, 2400-2600 उस रेंज में आई थिंक हो जाता है उतने रेंज में आपका. ओके, ठीक है, आई ट्राई टू स्टिक दैट अगले ऑडिटर. हाँ, तो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है. जैसे व्हाट आई फील रीजनेबलनेस चेक भी काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया है. मतलब इट्स फाइन इफ यू एक्सप्लेन इट इन अ लाइन और टू. ओके, देयर इज द चार्ट वाला शीट इधर. एक्चुअली चार्ट उन्होंने, वही मुझे पूछना था कि इफ दे डोंट स्पेसिफाई कि चार्ट दिखाओ तो डू वी हैव टू लाइक इवन देन प्लॉट अ चार्ट. या उन्होंने अगर बोला मतलब चार्ट तो हो गई ना, चार्ट्स का तो क्वेश्चन हो गई फॉर शो अप्रैल 22 में भी. डोंट नो व्हाई वो चार्ट प्रोबेबली आई माइट हैव मिस्ड, मैं एक बार चेक करती हूँ बिकॉज आई डिड नॉट कम अक्रॉस दैट क्वेश्चन. बट अगर उन्होंने नहीं मेंशन किया होगा तभी भी हम तब नहीं तब क्यों करेंगे. बट ऐसा हो ही इम्पॉसिबल है, हर पेपर में चार्ट्स हैं. या तो वन चार्ट तो है ही ऑडिटरी. एक्चुअली उन्होंने चार्ट जो है वो डेटा चेक के लिए प्लॉट करने बोला था, तो उसका लिखा है ना एक्सप्लेनेशन. एक बार चेक कर लेना. ठीक है, मैं एक बार चेक करती हूँ. इफ दैट इज द केस तो फिर हम डेटा करेक्ट डेटा वैलिडेशन वाले शीट में ही मेंशन करेंगे. हाँ 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 हाँ, डेटा के लिए अगर चार्ट है तो डेटा शीट में ही जाता है. ठीक है, ओके. यू हैव नॉट हाईलाइटेड द सोर्स. सोर्स नहीं लिखा है तो ये एक फीडबैक है. लोकल बैंक मैंने बस लिख दिया था. आई हाईलाइटेड ऑल्सो. हाँ, ठीक है. Additionally, the following included in the parameter sheet. Very good. Mean and standard deviation क्यों ले रहे हो? अच्छा, ठीक है, उसको फिर वहां यूज करें. हाँ हाँ, ठीक है ठीक है. Not required, इसको skip कर सकते थे because this is not a part of data. This is something which you have, this is not a part of data which you have got. ठीक है, वो parameter sheet में जा सकते हैं. वो parameter sheet में लिख सकती हूँ मैं maybe. This is also not required. खाली आप लिख सकते हो कि table for the interest rates is given. Don't have to give the table here. Okay. I think बहुत ज्यादा you are writing. It's good. If you have time, then definitely. But audit trail में you will not get more than a 1.5 hours. So okay. Try करो. I think this you took 2-2.5 hours तो लगा ही होगा इसको लिखने में. हाँ, तो this is something which you might not get now because 3 hours 20 minutes का exam है. If you are really good, you might finish the spreadsheet in 1 hour or 1 hour 20 minutes. Then you have 2 hours for your audit trail. But I don't think हमेशा 2 hours मिलता है. क्योंकि स्प्रेडशीट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज आई रीडिंग द सिनेरियो एंड डूइंग इट. ओके,
तो इतना इन डेप्थ सेल बाय सेल जाने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, सेल बाय सेल तो जाते ही हैं। जाते ही बट यू कुड हैव जस्ट रिटन इट टुगेदर, काउंट मैक्स मिन एक ही साथ आ जाता। ओके एंड रीजनेबल ऐसे नहीं देते, हेंस इट इज रीजनेबल इनफ टू, ये ऐसे नहीं, यूजुअली ऐसे नहीं देते, इट्स फाइन, दिस इज ऑल्सो फाइन। सेल्फ चेक दे सकते हो कि सेल्फ चेक वर्ड नहीं यूज किया, कि चेक्ड वाला जो चीज है यहाँ पे जो टॉलरेंस लेके, तो वर्ड सेल्फ चेक होना चाहिए था, सेल्फ चेक इज प्रोवाइडेड फॉर दिस दिस दिस, तो वो मिसिंग है सेल्फ चेक। फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज प्लॉटेड, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ, कॉलम चार्ट वो भी मेंशन करना है। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट इज कंडक्टेड एज फॉलोज, अ नल शोज द नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये अलग, ठीक है यू कैन राइट दिस, इट्स फाइन। सी ऑडिट ट्रेल में देर इज नथिंग कॉल्ड एज टू मच, जितना ज्यादा उतना अच्छा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम कितना है, तो उस हिसाब से आप उतना डिटेल्स में जा सकते हो कि नहीं। जैसे दिस कुड, दिस एंटायर थिंग कुड हैव बीन डन इन वन जेड स्क्वायर, के लिए वन लाइन में आप लिख सकते थे कि दिस कॉलम कैलकुलेट्स द जेड स्क्वायर वैल्यू यूजिंग दिस, टोटल इज टेकन आउट एंड वैसे, तो एग्जाम्पल ये देने का तो जरूरत था ही नहीं, दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये समझ में आ रहा है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कैलकुलेशन, सो अननेसेसरी एग्जाम्पल्स नहीं देना फॉर इजी कैलकुलेशन, एंड डेटा सेक्शन ऐसे भी ज्यादा मार्क्स का नहीं होता तो उतना नहीं लिखना अगेन। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसी में आ जाता तो ये एक पॉइंट बन जाता पूरा। अगेन आई फील रिजेक्ट टच नॉट, ये सब जो लिख रहे हो ना, इससे बेटर है यू गिव द स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे दैट इफ इट इज ग्रेटर देन 5% देन वी से दैट द डेटा कंफर्म्स टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वट एवर। एच नॉट आपने ऑडिट ट्रेल में कहीं नहीं लिखा तो डोंट यूज एच नॉट यहाँ, अगर लिखा होता कि एच नॉट क्या है तो लिख सकते थे, सो इट्स बेटर कि डायरेक्टली लिख दो। सॉरी मिस्टेक है, अजम्पशंस ट्राई टू कीप इट अ न्यू शीट ना। ठीक है, अजम्पशंस तो आप लोग, आपको देखना है कि आपने कैसे लिखे, ये तो नहीं होगा, ये तो अजम्पशन आपने नहीं लिया है ना, ये अजम्पशन दिया हुआ है कि रैंडम नंबर्स यूनिफॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है, बट इफ यू आर टेकिंग इट इज फाइन, इसके लिए आपको 0.5 ही मिलेगा, 1 मार्क नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे कॉमा से समरी, लाइक वी हैव टू रीइंस्टेट द अजम्पशंस, इसके अंदर मार्क्स नहीं होते उसके, नहीं इसमें कहाँ से रीइंस्टेट आप कर रहे हो, ये तो आप खुद ही लिख रहे हो, यहाँ आप रीइंस्टेट थोड़ी कर रहे हो, खुद ही लिख रहे हो आप, है ना। लाइक फिफ्थ पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन, मतलब उसमें तो नया कुछ नहीं है, तो इसका मार्क्स मिलेगा वैसे? हाँ कि मिल सकता है 0.5, नहीं भी मिल सकता है, मिल सकता है, डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर, बट अगेन दिस शुड, दिस इज, यू शुड नॉट कंसिडर इट एज अ 1 मार्कर पॉइंट। एंड रीन स्टेट क्या होता है, इधर तो आपको जो भी अजम्पशंस है वो आप लिख ही रहे हो, ये एक्चुअली मैंने क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि दिस इज ऑलरेडी यू हैव डन इन द डेटा चेक, यू हैव रिटन दैट इट फॉलोज, सो अगेन वाज नॉट रिक्वायर्ड। पैरामीटर्स ओके, मेक श्योर आप जो ये दे रहे हो ना इसको आप तो क्या कर सकते हो, जैसे अजम्पशंस को भी आपने 11 रखा है, इसको आप कर दो मे बी 14, एंड इन सबको, जैसे इसको भी कर दिया 14 एंड इनको कर दिया 12, तो एक अच्छा लगेगा, देखो नाउ इट लुक्स गुड ना, यस और नो, गॉट इट, यस। तो ये कर दो, एंड एकदम जो ऊपर वाला हेडिंग है जहां ऑडिट ट्रेल है इसको कर दो 16 या 14 भी रख सकते हो, बट 16 14 12 11, दिस इज व्हाट आई फॉलोड, You can have something different, but it looks good when you do it in that way. वो लगता है कि हाँ वो heading है, इतना अच्छा change हो जाता है एक बार में उसका look. देखो आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने savings underscore interest के form में लिखा है,
अपने वही जो वहां वर्ड्स यूज किए, आप सेविंग्स इंटरेस्ट लिखो ना, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स लिखो, यहाँ आप फुल लिखो, यहाँ आप क्यों नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो जो आपने स्प्रेडशीट में करा है. ओके, अंडरस्टैंडिंग देन वो करना होता है, तो मुझे नहीं, 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 मैं कंफ्यूज थी उसके बारे में. देन देयर इज नो डिफरेंस कि आप समझा नहीं रहे हो फिर, तो सेविंग्स इंटरेस्ट आपको लिखना है क्योंकि आपने नेमिंग कन्वेंशन के बारे में ऑलरेडी लिख दिया. सो बेसिकली ऑडिट ट्रेल होता क्या है, ऑडिट ट्रेल हम जब पढ़ते हैं हम उसको साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं विद द एक्सेल. सो यू हैव एक्सप्लेन्ड कि आपने रीनेमिंग करा है, ठीक है. दूसरा, आप जो ऑडिट ट्रेल होता है वो आप अपने मैनेजर को भी भेजते हो, तो आपका जो मैनेजर है वो खाली ऑडिट ट्रेल पढ़ता है विदाउट स्प्रेडशीट, पढ़ सकता है नहीं भी पढ़ सकता, तो दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि विदाउट स्प्रेडशीट भी समझ में आए. बट ऐसा नहीं कि आप सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज कर दोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा. ओके, गॉट इट. सब जगह पे वैसे ही किया मैंने, आई फील. हाँ वो तो है, बट आई फील अगेन दिस इज समथिंग जो इतना डीपर नहीं जाना. आपने ऑलरेडी लिख दिया है पी 12 है, फ्रीक्वेंसी 12 है, आपने लिख दिया, कुड हैव रिटन इट हियर ओनली, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स पी इक्वल्स टू 12 मंथ्स है, व्हाट एवर यू आर कंसिडरिंग. बार बार देखो P12 लिखने का जरूरत नहीं है. ओके, देखो यहाँ पे भी इतना नहीं, यू कुड हैव जस्ट रिटन अ रीजनेबलनेस चेक इज गिवन ऑन सो एंड सो वट एवर आंसर एंड द आंसर इज ओके विच मीन्स दैट इट इज रीजनेबल टू अज्यूम सो एंड सो, बट इतना डिटेल्स नहीं देना. एंड इससे क्या होगा ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रहे हैं, फिर यू विल नॉट बी एबल टू कम्प्लीट योर आंसर, तो बहुत डिटेल में जा रहे हैं, इतने डिटेल में नहीं जाते. ठीक है, अदरवाइज ओवरऑल इट्स वेरी गुड बिकॉज सिंस अभी इन प्रैक्टिस इफ यू आर राइटिंग इट इन डिटेल्स, एग्जाम में भी यू विल बी एटलीस्ट एबल टू अटेन दैट लेवल. एकदम ही नहीं डिटेल में लिखोगे तो एग्जाम में भी बिल्कुल ही नहीं लिखोगे, बट एटलीस्ट अभी अगर लिखोगे तो एग्जाम में यू विल बी एबल टू राइट प्रॉपरली. एंड यू नो टाइम क्रंच है एंड यू नो यू नीड टू फिनिश, सो व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट मे बी रीजनेबल चेक में दो लाइन लिखा एंड आगे बढ़ गए. सो फटाफट सब कुछ लिख दिया, बट अगेन नॉट एक्सप्लेनिंग अ लॉट, बट यू नीड टू फाइंड अ वे कि ना हमको इतना तो एक्सप्लेन करना ही है. But it's good. मतलब what you wrote is very good. Just keep in mind these few small things, and I'll just show you all how much marks I got so that आप compare कर पाओगे. So let's discuss that. मैम बस एक चीज थी, आपने कितना कहा कि 2500 to 2500 के रेंज में would be fine, right? हाँ हाँ, 200 ऊपर 200 नीचे चलेगा, ठीक है. तो ये वाला third question का part one is कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ दिस इज समथिंग आपको पूरा 4 मिलना चाहिए कि वेदर, जैसे मैंने बोला ना स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट. अब यहाँ क्या होता कि सेविंग्स अंडरस्कोर इंटरेस्ट के बदले इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स वैसा लिखते तो उस हिसाब से. सो हाउ मच आउट ऑफ 4 आई हैव गॉट 3 and 4, बिकॉज अगेन दिस इज समथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, फुल मार्क्स मिले, सिंपल इंग्लिश, आप बेटर प्रॉपर फॉलो कर पा रहे होगी नहीं सब कुछ को, तो आई डोंट थिंक यहाँ आपको मार्क्स डिडक्ट होना चाहिए इफ यू हैव प्रैक्टिस प्रॉपरली. फेलो स्टूडेंट कैन रिव्यू एंड चेक द मॉडल, ये 7 मार्क्स का होता है. अगेन दिस इज समथिंग जो थोड़ा ट्रिकी होता है. देखो ये लिखा है हाउ हैव यू एक्सप्लेन रादर देन वॉट यू हैव डन, सो हाउ द स्टेप्स इज डन, डिटेल्स डालना पड़ेगा अंदर, ठीक है. आपका ऐसा नहीं बहुत है, बट हाँ थोड़ा कम कर सकते थे, दैट्स इट. देयर इज सफिशिएंट डिटेल, एक्सेल का फॉर्मूलाज आपने लिखा है, तो ये चीज है. डज नॉट रेफर टू द मॉडल, देख रहे हो, तो यहां वो सेविंग्स अंडरस्कोर इंटरेस्ट वाला चीज वाला का बात करें कि वैसे नहीं करना. देखो फॉर अ न्यू कमर इट इज इजी टू फॉलो, स्टेप्स आर क्लियरली लेबल्ड, वर्कबुक इज क्लियरली लेबल्ड, ऑल द एरोज आर क्लियरली स्टेटेड, डेंजर एरियाज आर हाईलाइटेड. मतलब आपने जो भी स्प्रेडशीट में डेंजर एरियाज हैं, जो भी सेल्फ चेक्स हैं, वो आपने क्लियरली इसमें मेंशन किया, क्लियरली लेबल करा है चीजों को. तो इसमें आई थिंक आई हैव अगेन गॉट 5 and 7, बिकॉज ये इजी होता है स्कोर करना. डिफिकल्ट कौन सा होता है, नेक्स्ट पार्ट विच इज सीनियर एक्चुअरी. सीनियर एक्चुअरी में देखो क्या क्या पॉइंट्स है, कि एक रीजनेबल ओवरव्यू है पूरे मॉडल का,
क्लियर स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशन का 1 मार्क देते हैं, डेटा सोर्सेज क्लियरली लेबल्ड का 1 मार्क देते हैं, फिर हाई लेवल ऑफ डिटेल जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो ग्राफ था, ग्राफ में जो लेवल ऑफ डिटेल आप लिख पा रहे हो वो हाई लेवल ऑफ डिटेल हो गया, फिर लेवल ऑफ डिटेल विच इज अप्रोप्रिएट, एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि नहीं, रीजनेबलनेस चेक्स क्लियरली डाले हुए हैं कि नहीं, तो इन सबका आई डो इसका 1 मार्क मुझे नहीं मिलेगा, मैंने नहीं लिखा रीजनेबलनेस चेक। डेटा सोर्स के लिए आई गेट 1 मार्क, इसके लिए अजम्पशन के लिए अगेन 1 मार्क, उसके बाद ओवरव्यू हो सकता है 1 मार्क मिले, यहाँ दे माई डिडक्ट 1 मार्क 0.1, 0.5 मार्क्स व्हाटएवर, तो दिस इज सब्जेक्टिव, ये बहुत सब्जेक्टिव है कि इसमें मार्क्स कितना आपको मिलता है, बाकी चीजें आप लिख सकते हो। सो अगेन आउट ऑफ 7 एक 4.5 मिल रहे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आप इजीली, बाकी आउट ऑफ 3 मार्क्स ऐसी 4 इजीली आपको मिल सकता है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, इसमें एग्जामिनर अपने अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। रिटन एंड क्लियर इंग्लिश अगेन यू शुड गेट 4 मार्क्स एंड लॉजिकल ऑर्डर में यू शुड गेट 3 मार्क्स, तो ये क्या हो गया, इंग्लिश में स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, जो कि अनवया यू हैड योर स्पेलिंग मिस्टेक्स, फॉर्मेटिंग अच्छा सा है, लेड आउट प्रॉपरली, क्लियर क्रिस्प इंग्लिश है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 4, एंड डेटा इज इंट्रोड्यूस्ड, डेटा सेक्शन है, डेटा वैलिडेशन है, फिर करेक्शन है, फिर अजम्पशन है, सो डेटा इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर assumptions है, and then methodology, तो वो एक order आपका सही है कि नहीं, तो इसमें आई हैव गॉट 4 में, देखो एक ने 4 दिया, एक ने 3 दिया, हो सकते हैं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे मेरे में भी, एंड 3 में 3, लॉजिकल ऑर्डरिंग में आई डोंट थिंक आपको मार्क्स कट सकते हैं आपका, दिस इज समथिंग विच वी हैव प्रैक्टिस, पहले डेटा वैलिडेशन, करेक्शन, assumption, फिर मेथोडोलॉजी, वो एक क्लियर ऑर्डर होना चाहिए। Then comes your all steps are clearly explained. So basically this means that सारे steps clearly explained है कि नहीं, ये सारे points. Again 8 में you might get 6 के around. So 5.56, क्योंकि देखो all the steps are labeled, methodology order में है, सारे steps आप कर रहे हो कि नहीं, reasonableness checks आप लिख रहे हो कि नहीं, manual intervention के बारे में, goal seek के बारे में आप लिख रहे हो कि नहीं, सब कुछ आप लिख रहे हो कि नहीं basically, ठीक है। Then is साइन पोस्टिंग, साइन पोस्टिंग में जिससे आप जब सेक्शन हेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें आप इटैलिक्स में वो लिख रहे हो, देन आप बोलते हो ना कि ऑल द अबव डेटा इज करेक्ट, अज्यूम टू बी करेक्ट बट शुड बी इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड एंड दिस इज यूज फॉर द फर्दर कैलकुलेशन, सो दैट इज फॉरवर्ड साइन पोस्टिंग। तो ये सारे आपने अपने डेटा में करे है कि नहीं, लाइक फॉलो थ्रू द यूजर, अलाउज द यूजर टू अंडरस्टैंड ईच कैलकुलेशन, साइन पोस्टिंग है कि नहीं फॉर ईच टैब, purpose of each tab, जैसे tab के नीचे italics में नहीं लिखते, that is important, you cannot skip that, and where have you written that? Yes, see, so this is something which is called forward signposting. Model labeling is consistent, मतलब data है, parameters है, scenarios है, outputs है, charts है, सब कुछ आपने लिखा है कि नहीं, and it's consistent with the spreadsheet. सो इसमें 4 में 4 लाना इजी है, एक एग्जामिनर ने 3 दिया, अगेन थोड़ा सब्जेक्टिविटी रहता है। स्टेटमेंट ऑफ अजम्पशंस का 5 मार्क्स है, दिस अगेन डिपेंड्स कि आपने क्या अजम्पशंस लिखे, बट इफ योर अजम्पशंस आर करेक्ट दे गिव यू 1 मार्क। सो आई हैव गॉट 5 में से 3 दिए, 4 दिए, हो सकता है कुछ अजम्पशंस उनको नहीं अच्छे लगे, एंड देन दिस 16 मार्क्स इज समथिंग विच इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टू स्कोर इन, विच इज कितना स्टेप्स आपने कितने लेवल ऑफ एक्यूरेसी में करे। So have you talked about overview? Have you talked about all these different things? You can read it. Construction of chart के बारे में बोला है कि नहीं? Cost of uplift. तो सब कुछ covered है कि नहीं? इसका देखो, देखो, एक चीज और लिखा है तो, where was that point? हाँ, accumulation. तो ये सारी चीजें आपने clearly किए हैं कि नहीं? इसका out of 16, one examiner gives 13 and 10. I feel 10 marks थोड़ा कम है, and देखो ये आप question नहीं कर सकते हो, because हो सकता है आपने किया नहीं है ठीक से, तो ये एक चीज है जो आपको अपने माइंड में रखना है कि जहां जहां मार्क्स मिल सकता था, कहां कहां वी कैन स्कोर इजिली, यहाँ पे भी अगेन डिपेंड्स कि आप कैसे लिख रहे हो, बट 3 अबव तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद साइन पोस्टिंग, स्टेप्स क्लियरली एक्सप्लेन, ये फुल मार्क्स है, ये मैं हटा देती हूँ। लॉजिकल ऑर्डर फुल मार्क्स है, ये फुल मार्क्स है, यहाँ पे भी इजी है और यहाँ पे भी इजी है, तो आई थिंक 4, 8, 11,
19, 23, ये जो 23 मार्क्स है एटलीस्ट इसमें आप नहीं अफोर्ड करोगे ज्यादा मार्क्स लूज करना. 23 में एटलीस्ट 19 या 20 तो आना ही चाहिए इधर से पूरा. फिर आपका अजम्पशंस आ गया, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका ये आ गया. इसमें हो सकते वन मार्क टू मार्क डिडक्ट करेंगे फॉर श्योर. अजम्पशन में यू कैन एक्सपेक्ट 1-2 मार्क. एंड फिर 16 में अगेन यू माइट नॉट एक्सपेक्ट फुल 16, समवेयर अराउंड 12, 13, 14, 15 वैसा 12, 13, 14 के अराउंड में, उससे ज्यादा नहीं मिलता. तो ये आप आराम से 20+ अगर हम कंसिडर करें, इधर आपको 12 मिल रहा है तो हो गया आपका 32, 32+3 हो गया आपका 35, 35+7 ले लो 40, 58 में 40 मिल रहा है, विच इज गुड, पास तो हो जाओगे. तो वो आपको दिमाग में रखना है. सिमिलरली यहाँ पे भी 7 मार्क्स में यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट लेस देन दैट. ठीक है, तो ये एक और चीज है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Clear? So this is something which you should understand ki we have to pass the exam in one attempt. We cannot take two attempts for CP2 jaisa paper. To ye cheezon pe khas dhyan rakhna hai. Baki steps and all to aap improve karoge with your practice. And this is also something which you can only do with practice. Theek hai? To and you can easily score marks. Even though your model is difficult. Ab aap log ye nahi bol sakte, at least this part you cannot say that, you know, ma'am, model is difficult. Very difficult model came in my exam. So, ye cheez hai, aap nahi bol sakte. Kyunki agar model difficult hai, jaise is paper mein, it was very difficult. I did completely wrong. Jo fun testing tha, fun value tha, but still marks milega. Aapko bas pata hona chahiye marks aap kahan se laoge. Your audit trail should be very good. Baki jo parts hai, maine just skip karke aage बढ़ के पूरा कर दिया. चार्ट्स हैं तो यहाँ आप मार्क्स ले सकते हो. अगर आप स्टक हो जाओगे वहां, रुक जाओगे तो नहीं होगा. दिस कैन ओनली हैपन विद प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. आई प्रैक्टिस्ड, मैंने, इफ आई टेल यू ऑनेस्टली, आई स्टार्टेड 1 मंथ बिफोर, 1 मंथ 20 डेज बिफोर मैंने स्टार्ट किया CP2 CP3. मतलब लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन मैंने रजिस्टर करके स्टार्ट किया था वैसा. तो उसके बाद जो भी 1 मंथ 10 डेज मिलता है उसमें मैंने खाली प्रैक्टिस करा है. लाइक नॉट फुलफुल डे ऑब्वियसली बिकॉज वर्क के साथ 4 आवर्स 5 आवर्स इतना मिल रहा है. जस्ट प्रैक्टिस ऑल द पास्ट पेपर्स. ऑडिट ट्रेल में भी 7-8 के अराउंड ऑडिट ट्रेल्स 8 के अराउंड समरी लिखा था, बट पूरा प्रैक्टिस किया. ठीक है, तो आप इसको और वर्क करो. नेक्स्ट क्लास paper 2 करके रखना. paper 2 एक क्लास में हो जाएगा. आई विल डिस्कस माई सोल्यूशन ओनली कि कैसे वहां मार्क्स मिलता है. एंड आई विल सी योर समरीज एज वेल. सबका समरी मैं देखूंगी. ठीक है मैम, कौन से पेपर का समरी? यू आर नॉट ऑडिबल मैम. सितंबर 2020 का ही पेपर करना. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ सेप्टेम्बर 2020 का पेपर हो जाए तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ सेप्टेम्बर 19 कर लेना या अप्रैल 2020 कर लेना. आई लेट यू ऑल नो इन द ग्रुप. हाँ कृति, यू विल बी चेकिंग माय ऑडिट ट्रेल लेटर. या आई विल चेक इट लेटर, मे बी नेक्स्ट क्लास. मैम एक से पूछना था कि इफ वी डोंट सपोज डेटा चेक है, अगर हम वो नहीं परफॉर्म कर पाए एंड वी मूव्ड ऑन टू सम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फिर ऑडिट ट्रेल में हम लोग उसको बेसिक तो कर ही लोगे ना, काउंट निकाल लोगे. हाँ हाँ, जो 5 पॉइंट समरी है वो सब, जो भी कुछ बेसिक तो कर ही पाओगे. ओके, सो लेट्स मीट नेक्स्ट वीक. I'll let again same timing around 9:30.
बाय, थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.